नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास गाड़ी गठबंधन वाली खिचड़ी सरकार की फाइनली उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर के टीका टिप्पणी की है, तभी से महाविकास गाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की आवाज उठी तो शिवसेना ने भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार का समर्थन कर डाला। संजय राउत ने साफ कह दिया कि यदि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाता है तो शिवसेना इसका समर्थन करेगी। और इस बयान के बाद कांग्रेस के नेता आग बबूला हो गए। अब मजबूरन कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले यूपीए अध्यक्ष बनने की आवाज उठी तो अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष के साथ साथ यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की आवाज उठना भी शुरू हो गई है, जिसका भी शिवसेना ने समर्थन कर डाला है। कुल मिलाकर के अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कांग्रेसी नेता बढ़ाने जा रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष और यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की जो आवाज उठी है उससे कांग्रेसी नेता काफी ज्यादा बौखला गए हैं। अब कांग्रेस जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी के नेताओं पर कटाक्ष कर रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं और अब राहुल ग्रुप किसी भी हालात में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में नहीं रह सकता। जिस तरह से अहमद पटेल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया गया था, कांग्रेस का शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन अब राहुल गांधी किसी भी हालात में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ नहीं रह सकते हैं। राहुल गांधी की तरफ से तो पहले भी कहा गया था कि सारे की सारी जिम्मेवारी है वो उद्धव ठाकरे के हाथ में है और ऊपर से उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश की। सारे के सारे मलाईदार मंत्रालय एनसीपी ने अपने पास रख लिए, सीएम गद्दी शिवसेना को सौंप दी। ऐसे में कांग्रेस अब अपने आप को अकेला महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन में समझ रही है और ऊपर से यूपीए अध्यक्ष बनने और यूपीए की तरफ से पीएम पद का दावेदार बनने की कोशिश जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से की जा रही है और उसका शिवसेना समर्थन कर रही है, इस बात से कांग्रेसी नेता पूरी तरह से चिढ़ गए हैं। अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस काफी ज्यादा एनसीपी और शिवसेना पर कटाक्ष कर रही है। कांग्रेसी नेता संजय निरुपम पहले से शिवसेना को भ्रष्टाचारी बता चुके हैं। प्रताप सरनाइक जो शिवसेना के विधायक थे उन पर जब ईडी द्वारा शिकंजा कसा गया तो कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने शिवसेना को भ्रष्टाचारी बताया था। इसके बाद में भी शिवसेना के एक सांसद हैं राजेंद्र गवित, उन पर जब यौन शोषण का आरोप लगा, उनकी कंपनी में काम करने वाली महिला ने जब दुर्व्यवहार का आरोप लगाया तब भी कांग्रेसी नेता शिवसेना पर काफी हावी हुए। इसके अलावा भी पता नहीं कितने मामले हैं जिसको लेकर के कांग्रेसी नेता हमेशा से उद्धव सरकार पर बरसते आए हैं। एनसीपी के साथ कांग्रेसी नेताओं की बिल्कुल भी नहीं बन रही। ऐसे में अब ये टाइम आ चुका है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटेगा, तीन अलग अलग हिस्सों में बंटेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जो उद्धव ठाकरे के साथ खेल खेला है, गेम खेला है, उससे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब ना घर के रहे हैं और ना ही घाट के। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के सिद्धांतों को भी छोड़कर के मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना लिया, हालांकि पूरा अपना भी नहीं पाए, उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने के कगार पर आ चुका है। अब यूपीए अध्यक्ष और यूपीए की तरफ से पीएम बनने की जो सुगबुगाट महाराष्ट्र की एनसीपी में शुरू हुई है उससे लग रहा है कि राहुल गांधी अब किसी भी हालात में निश्चित तौर पर एनसीपी और शिवसेना के साथ नहीं रह सकते। कांग्रेस के बगैर यूपीए निश्चित तौर पर अधूरा है और कांग्रेस किसी भी हालात में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जगह किसी अन्य नेता को नहीं दे सकती। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेसी नेताओं की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनसीपी और शिवसेना को सबक सिखाना पड़ेगा। पहले भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर हो जाए लेकिन एनसीपी और शिवसेना को कहीं ना कहीं ऊपर से समर्थन कर दे, जिससे कि उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी बची रहे। लेकिन जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं में आपसी बवाल काफी ज्यादा मचा हुआ है,
उससे कांग्रेसी नेता कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना को सबक सिखाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो मान करके चलिए महाविकास गाड़ी गठबंधन लीरो लीर हो जाएगा। और ऊपर से समर्थन करने की बात अगर सामने आती है तो मानकर चलिए अजीत पवार, अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, मिलन देवड़ा, ये लोग फिर महाविकास गाड़ी गठबंधन को निश्चित तौर पर झटका देंगे। अशोक चव्हाण और अजीत पवार की बगावत को लेकर के तो खुद शिवसेना के नेताओं की तरफ से ही बताया जा रहा था। और यदि महाविकास गाड़ी गठबंधन में कांग्रेस ना तो ऊपर से समर्थन करे और ना महाविकास गाड़ी गठबंधन में रहे तो हो सकता है कि कांग्रेसी नेता कांग्रेस में ही टिके रहे। लेकिन यदि महाविकास गाड़ी गठबंधन की सरकार नहीं गिरेगी तो आप मानकर चलिए अजीत पवार, संजय निरुपम, अशोक चव्हाण, मिलन देवड़ा जैसे नेता अपने साथ कई विधायकों को भी लेकर के जाएंगे और कांग्रेस और महाविकास गाड़ी गठबंधन और एनसीपी दोनों को बड़ा झटका भी देंगे। इसके अलावा शिवसेना के विधायकों पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाइयां हो रही है उससे भी शिवसेना के विधायक काफी डरे हुए हैं कि क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में कोई डबल गेम खेल रहे हैं। और जिस तरह से गृह मंत्रालय के इशारे पर ईडी द्वारा शिवसेना के विधायकों पर शिकंजा कसा जा रहा है उससे भी शिवसेना के विधायक अपने राजनीतिक करियर को लेकर के काफी चिंतित हो गए हैं। अब ईडी की कार्रवाइयों से बचने के लिए वो भी किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे सकते हैं। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सेंधमारी करने का काम चालू कर रखा है और शायद यही कारण रहा कि बीजेपी नेताओं की तरफ से अगले 2 से 3 महीने के भीतर महाराष्ट्र को एक अल्टरनेटिव सरकार सौंपने का ऐलान किया गया। लेकिन अब जिस तरह से यूपीए अध्यक्ष बनने और यूपीए की तरफ से पीएम बनने की चाहत जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को ले डूबेगी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस का ग्रहण जो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर लग सकता है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से जो कांग्रेस और राहुल गांधी पर टीका टिप्पणी की गई थी उस एक बयान के बाद कई तरह के खुलासे हुए। पहला, बीएमसी चुनाव 2022 में कांग्रेस को शिवसेना और एनसीपी के साथ लाने के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी हुई। दूसरा भी कई तरह की यूपीए अध्यक्ष बनने की और अब तीसरा जो यूपीए के अध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री बनने की भी कहीं ना कहीं चाहत एनसीपी प्रमुख शरद पवार रख रहे हैं। इन बड़े खुलासों से ये साफ हो चुका है कि शिवसेना एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ खड़ी होगी। और यदि ऐसा हुआ तो मानकर के चलिए कांग्रेस शिवसेना की सीएम गद्दी है वो एक तरह से छीन लेगी। यानी कि महाविकास गाड़ी गठबंधन में 44 विधायक कांग्रेस के हैं जो उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दे सकते हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाविकास गाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में फिलहाल यूपीए अध्यक्ष और यूपीए की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनने के लिए जो घमासान मचा हुआ है वो उद्धव ठाकरे की सरकार पर ग्रहण लगा सकता है। उद्धव ठाकरे का, उद्धव सरकार का, शिवसेना का विरोध तो वैसे भी महाराष्ट्र में बढ़ गया है। पिछले एमएलसी चुनाव में 0-0 शिवसेना रही थी, ये साफ दिखाई दिया था। लेकिन जिस तरह से अब जो बगावत को लेकर के अजीत पवार, अशोक चव्हाण को लेकर के जो चर्चाएं तेज थी उस पर डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले समय में महाविकास गाड़ी गठबंधन चलेगा या फिर महाविकास गाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां अलग अलग हो जाएगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को लेकर के भी काफी चिंतित हैं क्योंकि उन्हें वो केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें एनडीए में शामिल होना भी जरूरी है। यानी कि जिस तरह से पिछली बार 2014 के चुनाव में एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से समर्थन किया था, हो सकता है कि सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस तरह का कोई समझौता बीजेपी के साथ कर ले। यानी कि यह तो तय हो चुका है आने वाले 2-3 महीने के भीतर महाविकास गाड़ी गठबंधन में काफी ज्यादा बवाल मचेगा। ऊपर से कांग्रेस ने राहुल गांधी की ताजपोशी करने की तैयारियां करना शुरू कर दी है और उसी टाइम यूपीए अध्यक्ष को लेकर के भी आवाज उठेगी। उस टाइम निश्चित है कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में काफी ज्यादा बवाल मचेगा। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास गाड़ी गठबंधन में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी भगवान भरोसे चल रही है, चाइनीज माल की तरह हो चुकी है, चले तो चांद तक ना चले तो रात तक। अब ये हालत उद्धव सरकार की हो चुकी है। ऊपर से रिपब्लिक टीवी के जो सीईओ हैं विकास कुमार, उनकी गिरफ्तारी के बाद तो महाराष्ट्र की जनता भी ये सोचने लगी है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होना जरूरी हो गया है।
कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब राहुल गांधी का ग्रहण लग सकता है। राहुल गांधी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की कमान अपने हाथों में ले ली है, जिसका परिणाम यह निकलेगा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस अलग होगी। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष और पीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर के आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।